अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नगर निगम महापौर व 42 पार्षदों की जीत के बाद या तो भाजपाई बेहद उत्साहित हैं या फिर बैकफुट पर। पुलिस की ऐसी ही कार्यप्रणाली है या फिर कुछ और, इसका निष्कर्ष निकाल पाना अभी बेहद जल्दबाजी होगी। हाँ, जिस तरह की घटनाएं स्थानीय निकाय चुनाव के बाद लगातार हो रही हैं, उसने भाजपा नेतृत्व की पेशानी पर जरूर बल डाल दी है। शनिवार को दो घटनाएं भाजपा से जुड़े लोगों के साथ हुई। पहली मेला नौचंदी में और दूसरी लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में। लाल कुर्ती में दोस्तों के साथ खड़े बुढ़ान गेट निवासी हिमांशु अग्रवाल से SO लाल कुर्ती ने मारपीट की। वहीं SO लाल कुर्ती का जवाब है कि हिमांशु दोस्तों संग वहां खड़े सिगरेट पी रहा था, उसके साथ मारपीट नहीं की गई है, सिर्फ टोका गया था। नौचंदी मेले में संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकुर गोयल के भतीजे की पिटाई कर दी गई। अंकुर गोयल का कहना है कि सिपाही से कंधा टकराने के कारण उसकी पिटाई की गई। वहीं SO नौचंदी ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि अंकुर गोयल का भतीजा संभव गोयल व साथी मेले में लड़कियों को देखकर सीटी बजा रहे थे। महापौर शपथ ग्रहण समारोह में OVC की पार्टी के पार्षदों से मारपीट के बाद भाजपा पार्षद उत्तम सैनी आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होना, इसी मामले में भाजपा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रिपोर्ट दर्ज न करना, वाहन टकराने की घटना में हिमायत लेकर मेडिकल थाने पहुंचे उत्तम सैनी को गिरफ्तार कर लेना, रात 2 बजे भाजपाइयों का थाने में हंगामे के बाद जमानत देना और OVC का पुतला फूंकने के बाद विरोध प्रदर्शन से जुड़े पुराने मामले में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से भाजपा पदाधिकारियों को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब शनिवार रात को हुए घटनाक्रम में सुनिए संभव गोयल को। क्या हुआ था आपके साथ? कॉलोनी का निवासी हूँ ये भैया। मैं यहाँ से आ रहा था, गढ़ जा रहा था, गढ़ से फोन आ रहे थे पिताजी के, 5-6 आ गए, तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। अब जो वो है अंकित शर्मा, वो पुलिस वाले हैं, तो कंधे से कंधा छू गया, तो उन्होंने रैपटा मार दिया। मैंने कहा भैया क्या हुआ, मैं पूछूंगा तो अब मेरा तो हक तो बनता ही है। उन्होंने दो और मार दिया, कहते बहस कर रहा है। फिर मैं उनको फोन मिला लग गया था उसी को, तो कहते किसको फोन मिला रहा है। मैं लगा यहीं के रहने वालों को, मैंने बता दिया उनको, कहते कोई भी नहीं, तो हम नहीं मानने के। और फिर यहाँ तक लाए रैपटे मारते मारते 10-1। फिर यहाँ से दो पुलिस वाले और मिल रहे थे, ये गर्दन यूं कर दी, सांस भी नहीं। मैं कह भैया सांस तो आंदो, कह रहा ऐसे ही चलेगा, जितनी सांस देनी है इतने में ले लिया। और कह रहा मार चले, मार डंडे डंडे मार के, गुट्टू गुट्टू मार के, पान यूं मरोड़ दिया, चक्कर आ रहे हैं। अब खड़ा भी नहीं हो जा रहा, घर भी नहीं जा रहा। अब आप इंचार्ज साहब से मिले, क्या कह रहे हैं इंचार्ज साहब? ये कह रहे हैं अब देखते हैं जो भी होता है, अब उन्हें उन्होंने लिखवाई जो FIR जो भी है। अब सुनिए भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक अंकुर गोयल को। आप लोगों के माध्यम से एक बात कहनी है, पुलिस बिल्कुल बेकाबू हो गई है, पुलिस अपनी वर्दी का फायदा उठा रही है। इस बच्चे को जिस तरह से मारा है आप इसकी देखो, इसकी हालत खराब है, ये बिल्कुल गिरने को तैयार है, ये कोई चोर चक्कर नहीं नजर आ रहा है आपको, ना इसका गर्दन मरोड़ दी, इसके भूसे मारे हैं, इसके लात मारी है, इसका फोन तोड़ने को तैयार है, और यू करे जिसे मर्जी बुला ले और अपना भी ये वीडियो बना लेते हैं। बताओ इसकी हालत आप देख के बता दो, अगर इतना कुछ गलत कराओ तो। अंकुर भाई किस तरीके से मारपीट हुई है? मारपीट ये हुई है अपने दो साथियों के साथ, मेरे नौचंदी घूमना है जैन सिकंजी के पास, ये अपना जाता किसी पुलिस का भीड़ तो है ही, आप देख लो मेले में किस कदर भीड़ है। हल्का सा खंबा इसका कंधा जो है उससे टकरा गया होगा, उन्होंने इसका पकड़ा, पहले 2-3 नैपटे मार दिए। ये मुझे फ़ोन मिलाने लगा, फ़ोन मिलाने के बाद इन्हें जैसे फोन मिला, मिला ली जिसको मर्जी फ़ोन मिला रहा, इसके कमर में भूसे मारे, लात मारिए, इसका कान मरोड़ दिया, और इसको इस तरह से यूँ बिल्कुल यूँ करके जैसे जब सांस ले ले, जितनी तुझे सांस ले लिया तेरी सांस यही खत्म कर दूंगा। क्या नाम है इसका? नहीं सर, वो आपकी बात सही है, सरकार हमारी चल रही है, सब चीज़ है, लेकिन पुलिस पर तो काबू पुलिस के अधिकारी करेंगे ना, हम पुलिस पर कोई काबू करेंगे? बताओ आप मुझे क्या लग रहा है, पुलिस काबू में है? नहीं, ये तो अब देखो अब दिया है, लेकिन मैं देखो क्या कार्रवाई होती है, मुझे विश्वास है पूरी कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो मैं अपना अपने मंत्री के सामने, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, अपनी पार्टी के सामने इस बात करूँगा। सिपाही का क्या नाम है? सिपाही का नाम है अंकित शर्मा। तो मतलब पुलिस बेकाबू है? पुलिस बेकाबू है? पुलिस बेकाबू मुझे लग रहा है, और है भी इस तरह का, क्योंकि हमारी सरकार हमें ये कहती है हम सभ्य तरीके से रह रहे हैं कर रहे हैं। और इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV।